सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल पीटी व्लॉगिश। तो ये साल भी एंड होने को आ चुका है और इस टाइम ऑफ द ईयर आपको बहुत सारे इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, ये साल भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। इस साल में 365 दिन हो ही नहीं सकते यार, अभी तो न्यू ईयर मनाया था भाई। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई तो ये साल में 365 दिन थे और उस 365 दिन से ना एक दिन ज्यादा हुए हैं ना एक दिन कम हुए हैं। तो इन लोगों को, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर लें। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस बार फिर से हमेशा की तरह इंटरनेट पे घूम रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला जिसका नाम था हाइलाइट्स ऑफ 2021। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे भी देखना है हाइलाइट्स ऑफ 2021। तो मैंने जैसे ही खोला उस आर्टिकल को तो मुझे सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ मिले इंटरनेट के, जैसे कि कोविड वैक्सीन के जो स्कैम्स हुए इंडिया में वो, COVID-19 क्राइसिस जो आई थी इंडिया में सेकेंड वेव के ड्यूरिंग वो, जैसे कि ऑक्सीजन शॉर्टेज जो है इंडिया में, साथ ही में हॉस्पिटल बेड्स की जो शॉर्टेज हुई, साथ ही में और बहुत सारे शॉर्टेजेस, और साथ में जो 26 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, और साथ ही फार्म लॉज भी। तो इस तरह के सारे न्यूज़ पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है। तो मैं आ चुका हूँ आपकी मदद करने के लिए। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ 2021 के बेस्ट पॉजिटिव न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, India reaches 1 billion doses of vaccinations administered mark. So, 21st October, इस साल इंडिया ने 1 billion vaccines of COVID-19 के doses को administer करने के mark को पार कर लिया। So, first 100 million mark पहुंचने के लिए इंडिया को कुल 84 days लग गए। Next 200 million vaccines के mark को पहुंचने के लिए इंडिया को और 45 days लग गए। 29 और days और इंडिया 300 million vaccines के mark तक पहुंच चुका। 20 days में इंडिया 500 million mark को पार कर गई और नेक्स्ट 500 मिलियन मार्क को पार करने के लिए इंडिया को कुल 78 डेज और लग गया। तो इन लोगों में से जिन्हें वैक्सीन लगी उनमें से 62.9% लोग जिनको वैक्सीन लगी उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगी और 34% लोगों को जो वैक्सीन लगी वो कोवैक्सीन लगी। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों वैक्सीन मेड इन इंडिया थे। सो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कौन भूल सकता है। So as you all know, Tokyo Olympics was scheduled to be on 2020 but due to obvious circumstances, Tokyo Olympics को reschedule कर दिया गया 2021 में। So इस साल इंडिया ने best performance दिया overall पूरे history का। So इंडिया ने कुल 7 medals secure किए इस साल के Tokyo Olympics में। So जो 7 medals इंडिया ने हासिल किए उसमें एक नीरज चोपड़ा का गोल्ड, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया का सिल्वर मेडल्स, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, लवलीना और इंडियन मेंस हॉकी टीम के ब्रोंज मेडल्स भी शामिल थे। ये सारे मेडल्स मिला के इंडिया के अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ इस साल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। सो नेक्स्ट इज गाबा टेस्ट विन। गाबा टेस्ट विन को कोई कैसे ही भूल सकता है। इस साल गाबा टेस्ट विन एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ था जो सिर्फ इंडियन फैंस ने, पूरे वर्ल्ड के फैंस ने सेलिब्रेट किया। तो गाबा टेस्ट इतना हिस्टोरिक इसलिए था क्योंकि इस बार से पहले गाबा में ऑस्ट्रेलिया को अब से लेके 1988 तक, जब विवियन रिचर्ड्स कैप्टन थे, तब तक कोई भी टीम नहीं हरा सकती थी। गाबा टेस्ट के साथ ही इंडिया ने 329 रन्स फॉर 7 विकेट्स के लॉस से बना करके ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट रन चेस इन अ टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और साथ ही 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। सो एयर इंडिया रिटर्न्स टू टाटा। सो आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ नेशनलाइजेशन एयर इंडिया ने एक पूरा कंप्लीट साइकिल पूरा करके वापस टाटा को चुना है। सो अगर आपको पता नहीं है, सो 1932 में सर जेआरडी टाटा, जो कि एक एविएशन एंथुजियास्ट थे, उन्होंने टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया को स्टार्ट किया था। बट जैसे ही टाइम बीता तो गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को प्राइवेटाइज कर दिया बिना टाटा ग्रुप के किसी भी एडवाइस के। बट एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जब मर्ज हुए तो एयर इंडिया लगातार लॉसेस में जाने लगी और फाइनली 2020 में गवर्नमेंट ने इसे सेल करने का ऑर्डर दिया और फाइनली इस बार 2021 में एयर इंडिया को वापस से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। सो एक और बोनस न्यूज़ जो इस बार हुई वो था बोर्ड एग्जाम कैंसिल। तो गवर्नमेंट ने इस साल एक बहुत ही हिस्टोरिक फैसला लिया जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस साल बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले थे, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ऑल दो कि ये सबको पता चल चुका था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई तो डिसीजन आने वाला है, बट किसी ने नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट सीधा बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर देगी। बट द मेन रीज़न वाई गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स वॉज दैट कि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम डेट्स इंडिया में COVID-19 के सेकेंड पीक के साथ क्लैश कर रही थी और उसी टाइम पे जब ऑक्सीजन शॉर्टेजेस हुए थे और बेड्स की भी शॉर्टेज हुई थी। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया शायद।
मेरे लिए परछाई डाला है कट कर। सो इसी के साथ ये थे मेरे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था ये, जिसमें मैंने सिर्फ 5 ऐसे हाईलाइट बताए जिसमें मुझे लगता है जो मेरे हिसाब से बेस्ट थे। तो अगर आपको कुछ और लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आपका ये साल कैसा गया ये मुझे बताना मत भूलिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। एक और बार आपकी तरफ, सबकी तरफ से, हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल भी बहुत ही अच्छा गुजरेगा मुझे पता है। तो मिलते हैं हम आपको अगले साल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। क्योंकि इस साल कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं। सो